दोस्तों नमस्कार, स्वागत है रेडर पटेल यूट्यूब चैनल पर। आज आप देखेंगे दोस्तों हमारी नमकीन, हमारी दुकान पर जो हम नमकीन बनाते हैं उसमें हम लोग कौन कौन से मसाले ऐड करते हैं, हमारे नमकीन के स्पेशल मसाले कौन से हैं। तो आज हम आपको पूरा मसालों के बारे में बता रहे हैं कि हम स्पेशल मसाले कौन से बनाते हैं, इन मसालों को कैसे तैयार करते हैं, आपको कौन सा मसाला कितनी क्वांटिटी में लेना है और आपको कौन सा मसाला ज़्यादा डालना है कम डालना, सब कुछ आज की इस वीडियो में मिलेगा आपको। वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहे और आपको एक एक करके सब मसाले बताएंगे और इस मसालों की जो लिस्ट है, कितना मेजरमेंट है, जो भी वजन है, आपको पूरा लिखित में वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिख के रखूँगा ताकि आप लोग वहाँ से देख कर हर चीज़ को माप तोल करके ले सकते हैं। आप इन मसालों को एक बार बनाकर डेढ़ दो महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और आपकी नमकीन का जो स्वाद है वो सदाबहार एक जैसा आएगा। तो वीडियो को पूरा देखे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता देते हैं कौन कौन से मसाले आपको पहले ऐड करने हैं और कौन कौन सा मसाला है, नाम के साथ आपको बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर लिए लाल मिर्च, जो रेगुलर मार्केट में मिलती हैं वो वाली मिर्च हैं। तो यहाँ पर ये वाली मिर्च मैंने लिए दोस्तों 2 किलो, ये मिर्च इसमें ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पर बड़ा बर्तन लिया है ताकि पूरा मसाला अच्छे से ऐड हो जाए। तो ये हो गई नॉर्मल रेगुलर मिर्च, जो कि नॉर्मल तीखी होती है, ज़्यादा इसका तीखापन होता नहीं है। उसके बाद में नंबर 2 पर मैंने ली है ये वाली मिर्च, ये लौंगी मिर्च दोस्तों, ये बहुत ही तीखी होती हैं, तो मैंने यहाँ पर ओनली फॉर 0.5 किलो ली है। तो ये ऐड करते हैं यहाँ पर, तो दोनों मिर्ची ऐड हो गई। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिए हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर कच्चा है, इसको हमने तवे पर भून कर लिया है, तो ये है 250 ग्राम, ये हम यहाँ पर कलर के लिए ऐड कर रहे हैं। और ये लिए मैंने यहाँ पर धाना पाउडर, धाना मैंने घर पर लाए, फिर इसको दरदरा पीस कर लिया है। आप मार्केट से रेडीमेड भी लेकर कर सकते हैं, लेकिन घर पर दाना लाकर करते हैं तो थोड़ा स्वाद बढ़िया आता है और प्योर क्वालिटी मिलती है। तो दाना मैंने यहाँ पर लिया है 0.5 किलो। अब इस इतनी सामग्री के अंदर हम यहाँ पर 1 किलो नमक ले रहे हैं और यहीं पर ले रहे हैं हम दोस्तों 100 ग्राम काला नमक। और सबसे स्पेशल मसाला है दोस्तों हमारा ये वाला। अब इस मसाले के अंदर हमने क्या क्या ऐड किया है ना, अब ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने उसके लिए इसके अंदर आने वाले सभी मसालों की लिस्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दे दी है और पूरा विवरण भी मैंने लिखा है कि इनमें मिलने वाले मसालों को कैसे यूज़ करना है। तो ये मसाला मैंने यहाँ पर लिया दोस्तों 400 ग्राम। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया दोस्तों 100 ग्राम दालचीनी और तेज पत्तों को पीस कर उसका पाउडर तैयार करके, और यहाँ पर लिया है 100 ग्राम चाट मसाला। और 50 ग्राम लिया यहाँ पर अमचूर पाउडर और 15 ग्राम लिया यहाँ पर शाहजीरा पाउडर। तो ये हो चुके दोस्तों हमारे मसाले सब इसमें ऐड और अब हम इन सब मसालों को बढ़िया मिक्स करेंगे। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हम ले रहे हैं 100 ग्राम गरम मसाला। अब हमें इन सभी को बढ़िया मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिला लेना है पूरा। तो दोस्तों ये होता है राइडर पटेल नमकीन मसाला, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट आपकी नमकीन बनेगी और एकदम फ्रेश रहता है दोस्तों। ये जो हमारी नमकीन है इसमें ऐड होने वाला जो मसाला है जो हम आज बता रहे हैं यही है। तो अभी दुकान लगी नहीं है दोस्तों, दुकान का जो टाइमिंग है
अभी गर्मी के दिन है तो हम लोग शाम को 4 बजे लगाते हैं। इसमें हमने किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल कोई भी कलर ऐड नहीं किया है, एकदम जेन्युइन कलर है और एकदम सही मसाला बताया है आपको, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और दोस्तों एक चीज़ और है कि 1 किलो नमकीन होती है तो उस पर कितना मसाला ऐड करना है, अब वो क्या होता है ना दोस्तों, उसका मेज़रमेंट फिक्स नहीं होता है क्योंकि हर जगह का स्वाद अलग अलग होता है। अभी हम जो है यहाँ पर ऐड करते हैं एक किलो नमकीन के लिए हम यहाँ पर 60 ग्राम मसाला ये यूज़ में लेते हैं। इस तरीके से मिक्स करते रहिए ताकि पूरा मसाला बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए। फिर हमारे नमकीन में जब मसाला ऐड होता है तो पूरा स्वाद एक जैसा बना रहे। तो मसाला बढ़िया तरीके से मिक्स हो गया है दोस्तों, ये देखिए। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और बाकी की जो भी डिटेल्स है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। और अगर आप इस तरह का मसाला बनाकर सेल आउट भी करते हैं तो बढ़िया इसकी बेनिफिट होगी आपकी। ये जो मसाला है दोस्तों 350 से 400 रुपये किलो मार्केट में सेल हो सकता है। तो आपको कैसा लगा कमेंट लाइक और शेयर करें। राइडर पटेल नमकीन मसाला रेसिपी आज आपको हमने बताई डाली है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में और आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, फेसबुक पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी है राइडर पटेल 56 और फेसबुक आईडी है राइडर पटेल। हमारी वीडियोस और हमारी नई नई रेसिपीज आने वाली उसकी डिटेल्स जो है हम इंस्टाग्राम पर भी डालते हैं और फेसबुक पर भी डालते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।